वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समा स्टडी सेंटर। तो जो आज का इस वीडियो है ना, इसमें लोग आपका जो आईसीआर है, आईसीआर क्या है और एक किस चीज़ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके विषय में पूरा हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो उसके आप वीडियो में पूरा बने रहिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसे वीडियोज आए सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, पहले सबसे समझते हैं हम लोग पहले कि आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो आईसीआर का फुल फॉर्म आपका ऑल इंडियन दे रखा है इन्होंने, ऑल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। इन्होंने एक यूजी के लिए, बेसिकली मैं यूजी का बात करूंगा, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट का बात करूंगा। उसमें एक आईसीआर AIEEE का है, यूजी का एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराता है हर, ये आपका मई के मंथ में होता है एवरी ईयर, ठीक है। देखो AIEEE जो इसका फुल फॉर्म अब क्या होता है कि ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ठीक है ना। तो वो हो गया। अब बात आती है कि जैसा कि मैंने बताया, जब इसका भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में, और आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या है, तो हम लोग पीजी पे चलते हैं, ठीक है। देखो AIEEE देखा है, यूजी देखा रखा है इन्होंने, दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम पहला है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे एग्जाम होना है। द एक्स्ट्रा 50 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर विजुअली चैलेंज और ब्लाइंड कैंडिडेट, ठीक है। जो ब्लाइंड कैंडिडेट है, ठीक है, उन लोगों के लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सबके लिए क्या है का 2.5 घंटे समय दिया गया है, ठीक है। सेक्शन की बात कर लेते हैं, देखो द टेस्ट पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCA यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके कैटेगरी की जब फॉर्म भरा रहे हो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो PCM वाले उनके लिए क्या क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा। जो आपका PCB वाले उनके लिए क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर वाले उनके लिए क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। अब आती है नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, 60 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, यानी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PCM से PCB से PCA से, ठीक है ना। इस PCM से आप बिलोंग करते हो तो आपका PCM, देखो यहाँ पे PCM का आपका 60 क्वेश्चन, फिजिक्स से 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन आएंगे और मैथ से 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी पूरे 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है ना, इस पर हम देख लेते हैं। ये द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आना है, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखो टोटल टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी 720 मार्क्स, यानी 720 नंबर का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। अब बात आती है मार्किंग स्कीम का क्या है, फॉर इच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, यानी एक क्वेश्चन सही होता है तो हमको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है भाई। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या है इन्होंने दे रखा है, फॉर इच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डेडिकेटेड फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर, ठीक है। यानी आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो, ठीक है ना, अगर जितने सही करते हो उनका नंबर कैलकुलेट करने के बाद जितने आप गलत करोगे उतने नंबर आपके उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आप जानते हो, ठीक है। अब बात आती है आपकी लैंग्वेज, यानी पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, ठीक है ना। तो पेपर का लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बिंगलियर्स इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और देखो स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी दो रखा है, देखो स्ट्रीम ए में कौन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले स्ट्रीम ए में आएंगे, और स्ट्रीम बी में कौन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी PCM वाले। जैसा कि यहाँ दे रखा नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखा है 180 आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपका 720 नंबर का पूरा ओवरऑल पेपर होना है, ठीक है ना।
अब बताती है कि इस एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो ये देखो एग्जाम जो आपका है काफी हार्ड तो नहीं कहेंगे, एक तरह से अच्छा खासा तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अच्छे खासा पढ़ाई कर रहे हो तो हो 2.5 घंटे का समय में टाइमिंग का खेल है इसमें, ठीक है। तो आपका अगर हर सेक्शन से आप 30 क्वेश्चन राइट करते हो, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ओवरऑल 720 नंबर में से आप अप्रॉक्स 480 490 यानी 500 के आसपास ला दोगे नंबर, तो आपका कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। देखो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अभी तो ये एग्जाम ऑफलाइन होती है पेपर, ठीक है ना। ये पेपर कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। ये आपका ऑफलाइन पेपर होता है, ये भी मई में होता है, ठीक है ना। ये मई में होता है और जिसका अब जब फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपका अप्रैल में आएगा। जब अप्रैल में आएगा तो मैं इसको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। और जो भी अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो या फिर चाहते हो उसको रिमूव करना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं हो सक कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट बार से उसको मैं रिमूव कर सकूँ, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। हैप्पी स्टडी सभी लोगों को, अच्छे से स्टडी करते रहिए आप लोग। बाय।